कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और हापुड़ से किसानों के जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जगह जगह बैठकें और जनसंपर्क कर भारतीय किसान यूनियन के 8 तारीख के भारत बंद की तैयारी की जा रही है। उधर रविवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि बारात और बीमार लोगों के वाहनों को बंद भी न रोकें और उन्हें रास्ता दें। बिजनौर से रोज किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बिजनौर के हजारों किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को भी दर्जनों किसान लगातार पहुंचे हैं। बागपत में रविवार को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कई गांवों में जनसंपर्क किया। अनेक किसान जनपद से दिल्ली के लिए रवाना भी हुए। हापुड़ से अनेक किसान दिल्ली के लिए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों के 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और किसानों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर चक्का जाम तो करेंगे, वहीं यह भी कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और किसान पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय में डटे हुए हैं। सरकार को किसानों की मांगों का तत्काल समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के भारत बंद में भारतीय किसान यूनियन भी पूरी तरह ताकत से शामिल रहेगी। इस समय चीनी मिल चले हुए 5 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। इसी कारण चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य भुगतान शुरू नहीं किया। किसान भुगतान नहीं मिलने से परेशान हैं।